मजा ले सकते हैं। उत्तराखंड के शहरों में माना हुआ ये इकलौता शहर है। कृष्णा, तो फ्रेंड ये लीजिए, आपका कृष्णा पहुंच चुका है उत्तराखंड में। मैंने कहा था ना कि मैं उत्तराखंड जा रहा घूमने, तो फ्रेंड फाइनली मैं पहुंच चुका हूं। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे भैया भाभी रहते हैं, तो भैया भाभी के साथ ही मैं पूरा जगह पर रुकाऊंगी, भैया जी बताएंगे। हेलो गाइस, ये है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, है ना। आइए आपको दिखाते हैं पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ है, एक जगह से आप पूरे पिथौरागढ़ को देखने का मजा ले सकते हैं। उत्तराखंड के शहरों में माना हुआ ये इकलौता शहर है जो भौगोलिक स्थिति से बहुत ही मजबूत है। तो मैं पिथौरागढ़ पूरा दिखाने वाले हैं, भैया अभी मेरे साथ ही रहने वाले हैं, बाकी बिना भाई रहने वाले हैं, बिना भाई नज़ारे का मजा ले रहे हैं। तो बिना भाई से मिलाता हूँ, चलो। ये हमारे बिना भाई नजारे का मजा लेते हैं। बिना भाई कैसे आके नजारे आपको कैसे लग रहे हैं, मतलब बताइए, अच्छे से बताइए। क्या है सचिन में, लप्पू सा सचिन है, झिंगुड़ सा ये। पहले चश्मा सीधा कीजिए। मैं भूल गया था, शायद मैंने चश्मा ही उल्टा पहना था। वीडियो बनाएगा ये। हंसती रहती है और कुछ नहीं। और क्या रहा बिने भाई, बिने लप्पू से सचिन की तरह सगन बना रखी है। तो फ्रेंड बिने भाई ऐसे ही रहते हैं भोले भाले से। इसका फोटो आप क्रॉप करके अपने इंस्टाग्राम पे पेस्ट कर सकते हो, अच्छा पोस्ट है ना। बिनाई की कौन के साथ, नहीं किसको सेंड करने वाले हो? पाकिस्तान में दूसरी सीमा को। चलो ठीक है, अब नेपाल की आएगी साथ में। अब नेपाल के लिए नहीं चलेगी। चलो तो फिर ये रही हमारी मेज गाड़ी, इससे हम पूरी ट्रिप ले रहे हैं और इसी को हम देख आए उत्तराखंड में। इलाके में जब कमल ये चला रहे तो मैं उल्टी पुल्टी आ रही थी, लेकिन ये जब गाड़ी चला रहे हैं फील भी नहीं हो रहा कि उल्टी आ रही है। चलो बैठ। अच्छा, काफ़ी प्रैक्टिस है भैया जी को गाड़ी लाके गाड़ी चलाने की।
नीले, अब हम फाइनली हम ऐसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर आप इस हसी वादियों की पहाड़ों के बीच में जो पेड़ वेड़ होते हैं वहाँ पर अच्छे से सेल्फी ले सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। ऐसी जगह पर आप देख रहे हो पूरे जंगल टाइप है और जंगल टाइप कैसे। कैमरामैन जल्दी फोकस करें भैया। तो भैया जी मैं सीधे फोकस हो गया, अब सीधे पूछता हूँ भैया। तो पोज पर पोज दिए जा रहे हैं तो आपको उनकी एक फोटो क्रॉप करनी पड़ेगी अच्छी सी स्मार्ट सी जी करके। तो ये मलाई का रोना है भैया जी, फुल मूड में लग रहा है, फुल मूड में। ये क्षेत्र जो होता है जहाँ ज्यादा पेड़ होते हैं वहाँ पाला पड़ता है। पाला कहने का मतलब होता है कि ये जो रोड दिखाई दे रही है आपको इस पे बर्फ की छोटी और बहुत पतली चिकनी लेयर बन जाती है सर्दियों के मौसम में, जिससे कि वाहन फिसलने का, गाड़ियों का फिसलने का डर रहता है। सरकार यहाँ पर ये बोर्ड लगाती है तेंदुआ, और ये पूरा जंगल जो दिखाई दे रहा है ये तेंदुओं का है स्पेशली, है ना। तो यहाँ शाम को 6 बजे के बाद सरकार मना करती है कि यहाँ पर ना आए कृपया करके। अच्छी वाली सही है दोस्तों। दोस्तों इस जगह सबसे बढ़िया एक बात क्या है, एक तो फोटो जो अब भाभी जी का क्यूट सा फोटो खींच रहे भैया जी का ये खींच गया बस बस मस्त मीनार से बना दी हमने पूरी। चलो जिनसे तो काफी अच्छी है, इतना बुरा भी नहीं हूं। अरे स्मार्ट लगता है बिना आई बिनाई भी सकल पे कम दिल पे ज्यादा, दिल बहुत बड़ा है अंदर से निकाला जाए तो एकदम 2-3 किलो का बैठेगा आराम से। तो अब भैया जी बढ़िया से फोटो क्लिक कर रहे हैं, ये 1-2-3 खिचाक जामा क्लियरिटी आई नहीं रही, रोड पे क्लियरिटी आ रही है बाकी ये ले फोटो। अब उठ जाऊंगा मैं फोटो देख के तो मैं ये नजारा देखने को मिलता है आपको। बहुत ही आलीशान क्षेत्र है ये, आप आइए एक बार, दिल को अलग ही सुकून मिलता है यहाँ पर। जल्दी आओ जल्दी आओ, ये ले जाओ बंदगी भी गर्म करना है कह रहा है।